तो हम बात करेंगे आज डाइट प्लान के बारे में, मतलब फास्टिंग कब करनी चाहिए, डाइट्स कितनी मील्स पर डे आपको लेनी चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है लोगों को और मेरे पास भी कुछ कमेंट आए थे। तो मैं आपसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ और जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और इसमें बात करूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, रुजुता मैम की जो डाइट प्लान है 8 मील्स वाली उसके बारे में बात करूँगी, और उसके अलावा 3 to 4 मील्स का भी एक डाइट प्लान रहता है। तो आपको कौन सी फॉलो करनी चाहिए और कौन सी सही है कौन सी नहीं सही है, वो सब चीज़ें मैं आज के में डिस्कस करूंगी। तब इन सारी चीज़ों से पहले एक बेसिक बात मैं कर लेती हूँ। पहले मैंने अभी प्रीवियसली भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको 3 बेसिक रूल्स ऑफ अ हेल्दी डाइट या फिटनेस डाइट के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए थे कि आपको किस तरीके से अपनी डाइट अपने लिए डिसाइड करनी चाहिए, और मैं उसी को फॉलो करती हूँ। फिटनेस जो है वो टेम्प्रेरी नहीं है, वो लॉन्ग लाइफ होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए, और बेसिकली आपकी एक हैबिट या लाइफस्टाइल चेंज आपको लाना चाहिए जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े और आप स्मूथली उसको डेली बेसिस पे कर पाएँ। तो वैसे ही चाहे डाइट की बात हो, वर्कआउट की बात हो, या कोई भी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल हैबिट या चेंजेस की बात हो, सभी के लिए एक ही रूल है कि अगर आपको वो फॉलो मतलब आप करना चाह रहे हो चेंज या अपनी डाइट में या फिर किसी में भी, तो आपको ये देखना है कि क्या ये इस चेंज को मैं हमेशा ही एफर्टलेसली कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अगर पहले ही क्वेश्चन पे आंसर आ जाता है कि नहीं भैया एफर्टलेसली मैं इसको हमेशा लॉन्ग लाइफ नहीं कर पाऊंगी, तो आपके लिए वो हैबिट वेस्ट है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रेशर में आके 2 महीने 3 महीने इवन 6 महीने तक भी उसको अगर फॉलो करते हैं एंड देन फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, आपको अभी पता है कि मैं क्यों नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो फिर उस हैबिट को या उस चेंज को लाइफ में लाने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज कोई भी चीज़ का फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, एकदम इंस्टेंट फ़ायदा नहीं होता है, स्पेशली जब हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं। तो उसी तरीके से डाइट्स जो हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग है जिसके अंदर कि आपको कुछ विंडो रहती है खाने की और एक विंडो रहती है फास्ट करने की, जिसमें कि जो नॉर्मल 8 आवर्स के लिए आपको खाने की विंडो मिलती है उसमें आप खा सकते हैं, एंड 16 आवर्स की एक विंडो रहती है जिसमें आपको फास्ट करना होता है, यानी कि आपको पानी के सिवा या लिक्विड के सिवा आपको और कुछ नहीं लेना होता। पानी, जूस वगैरह आप ले सकते हो, जूस भी नहीं जिसमें भी शुगर वगैरह कुछ नहीं हो, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी या फिर पानी, ये ऐसा कुछ पी सकते हो जिसमें शुगर वगैरह कुछ भी ना हो। तो ये होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूल। एंड अगर मैं रुजुता मैम की डाइट की बात करूँ तो उसमें आपको 8 मील्स लेनी होती हैं, जो कि गिनने में 8 है, बट अभी हम डीप में जब उसमें जाएंगे तब आप देखेंगे। और एक होता है 3 मील्स अ डे या 4 मील्स अ डे, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इतना ही आप खाते हो और चलता है। तो अब 3 डाइट्स हैं आपके पास, 3 मील्स 8 मील्स एंड IF, ये 3 डाइट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको डिसाइड करना है क्या आप IF को लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सकते हैं, देखिए IF को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। आप 12 to 12 का रेशियो रख सकते हो स्टार्टिंग, अगर आप कर रहे हो तो 12 घंटे खाने की विंडो और 12 घंटे आपकी ये विंडो फास्टिंग विंडो, तो इसमें तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी पड़ेगा ये, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बेहतर है। फिर धीरे धीरे आपको अपना टाइम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा फास्टिंग वाला, और एटलीस्ट आपको 16 आवर तक का फास्ट रखना पड़ेगा टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट्स। ओके, सो ये आप क्या कर सकते हो हमेशा डेली बेसिस पे, देखिए ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस चीज़ से एडजस्ट है, मतलब किस चीज़ में कंफर्टेबल है। अब आपका काम कैसा है, आपकी लाइबिलिटीज़ घर में कैसी हैं, आपके पास बच्चा है, आपको पूरे दिन एक्टिव रहना पड़ता है, तो क्या आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये तो आप ही बेहतर जानेंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए 12 घंटे की आप फास्टिंग करते हो तो 12 घंटे जो आपके बचते हैं तो उसमें आप खा सकते हो कितने भी। अच्छा, IF में ये कोई रूल नहीं है कि अगर आप 8 आवर्स की जो विंडो है खाने वाली उसके अंदर आपको कितनी मील्स लेनी है, ये नहीं है बताया है। उन्होंने बताया है कि इतने देर के बीच में, ये 8 घंटे जो आपके पास है इसके बीच में आप जैसा चाहे जितना चाहे खा सकते हैं, एंड अगेन कंडीशन वही है कि हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ खाना है, उसके अंदर आपको हेल्दी फैट्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेना है और हेल्दी कार्ब्स भी आपको लेने हैं। तो कंडीशन सेम वही है जो रुजुता मैम की डाइट में रहती है, सेम वही कंडीशंस हैं, बस फास्टिंग और ईटिंग विंडो जो है इन दोनों में ही डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रुजुता मैम की डाइट को फॉलो करना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो इजी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है IF इजी है, आप उसे हमेशा जीवन भर फॉलो कर सकते हैं, लाइफ टाइम से मेरा मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एक दिन भी आप तोड़ नहीं सकते, वंस इन अ वाइल आप IF का रूटीन भी तोड़ सकते हो, बट मेजॉरिटी टाइम आपकी जो लाइफ चल रही है क्या आप उसमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप, मोस्टली ऐसा है कि ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं लोग, लंच डिनर एंड इवनिंग स्नैक्स वगैरह खाते हैं, सैलड्स वगैरह खाते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कर सकते हो कि नहीं। अब रही बात कि कई लोग कहते हैं कि फ्रीक्वेंट ईटिंग करने से बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक होता है, तो ये सबकी बॉडी जो है वो अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। वही मैंने कहा कि आपको जज करना है कि अगर आप
फ्रीक्वेंट खा रहे हैं तो क्या आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, खाना आप तभी खा सकते हो जब आपको भूख है, और ये तो बेसिक रूल है। आप अगर हेल्दी और वेट लॉस या फिटनेस या किसी भी तरीके की डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो सीधा रूल है कि अगर आपको भूख लग रही है तो आपको खाना है, भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना नहीं खाना है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप 8 मील्स का प्लान ले रहे हैं तो उसमें आपको हर 2 घंटे पर आप रोटी सब्जी दाल चावल ऐसा तो नहीं खा रहे हैं, है ना। रुजिता मैम ने भी जो डाइट प्लान दिया है उसके अंदर आपको 3 मील्स ऐसी है जिसके अंदर कि आपको कार्ब्स वगैरह लेने हैं, लाइक आपका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें ले रहे हो, कार्ब्स भी ले रहे हो, प्रोटीन भी ले रहे हो एंड फैट्स भी ले रहे हो। बट उसके अलावा जो मील्स है, उन्होंने तो एक चाय को भी मील का नाम दिया है। मील से उनका जो मतलब है वो ये है कि इस इंटरवल पे आपको अगर भूख लगती है तो आप बिना टेंशन के खा सकते हो, और इस तरीके से आप अपने पोर्शंस पे कंट्रोल कर सकते हो, ओवर ईटिंग से बच सकते हो। सिर्फ उनका कहने का मतलब ये है। अब हम क्या सुनते हैं, 8 मील्स अ डे, हमें लगता है 8 बार कुछ खाना है, बट आपने देखा कि सुबह उठते से ही नींबू पानी अगर आपने पिया तो ये कोई मील नहीं है। इसे मतलब इससे आपका कहीं वेट गेन नहीं होना, आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होनी। इंसुलिन स्पाइक जो मेन होती है वो होती है जब आप हाई कार्ब या हाई कैलोरी फूड लेते हो, तो वो अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, कीटो वगैरह में जैसे कि होता है, अगर आप प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो जिसके अंदर कार्ब्स बहुत ही मिनिमम है, तो आपका शुगर स्पाइक उतना नहीं होगा। और नॉर्मल लोगों के अंदर जिनको कि कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको शुगर स्पाइक का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको सीधी सीधी बात है, अगर आपको वेट लॉस करना है या आपको फिट रहना है तो आपका कैलोरी इनटेक कितना हो रहा है एंड कैलोरी आप बर्न कितना, मतलब इन कितना हो रहा है और आउट कितना हो रहा है, उससे मतलब होता है। आप चाहे आप उसे 4 बार में खाएं, चाहे उसे आप 1 बार में खा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि इंटरमीडियंट फास्टिंग में होता क्या है कि लोग वेट कर रहे होते हैं, अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपके लिए बेनिफिट की बजाय आपको परेशान भी कर सकता है। कैसे कि अगर आप वेट कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे खाने की विंडो स्टार्ट हो मैं खाऊं, और फिर क्या होता है जब विंडो आती है तो आप एकदम से, जब खाना मिलता है ना बॉडी को भूख लगने के बाद, तो आप ओवर ईट कर जाते हो। हेल्दी खाना भी अगर आप ज़्यादा खाओगे तो वो आपका कैलोरी इंटेक बढ़ाएगा, सीधी बात है, सीधा फंडा है। सो इसीलिए दोनों में मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता है, चाहे 8 मील्स वाला प्लान हो चाहे इंटरमीडियंट फास्टिंग हो। बेसिकली दोनों एक लाइफस्टाइल चेंज है, आप देख लीजिए कि कैसे आप कर सकते हो। और ऐसा कहीं भी रुजिता मैम ने फिक्स नहीं कर रखा है कि आपको एनीवेज आपका 2 घंटा हुआ चलो खाना खाना चालू कर दो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आपको एट्थ मील जो है रात में एक ग्लास दूध लेने का, वो ऑप्शनल है। अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना खाने के बजाय लेट नाइट आप दूध पी लीजिए, तो ये उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया है। तो आप अपने हिसाब से स्किप कर सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक बार में, आपको लग रहा है कि यार अब मैं आज अभी लंच करूँगा तो अब सीधे डिनर करूँगा, तो मोस्टली क्या होता है ना कि हम ज़्यादा खा लेते हैं खाना, तो उस चीज़ से बचने के लिए ये एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि हर 2 घंटे या 3 घंटे पर आप मील्स ले सकते हो। बट इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, जब आप IF करते हो या रुजिता मैम की डाइट फॉलो करते हो, तो वही कॉमन चीज़ें सब में वही हैं कि आपको जो अपने दिन की शुरुआत करनी है या आपका उठने के बाद आपका फर्स्ट मील जो होगा वो कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट और पानी, ये होना चाहिए। अगर आप IF भी करते हो तो उसमें भी सबसे पहले जो अपना फास्ट आप तोड़ते हो तो उसमें आपको यही बोला जाता है कि कोई फ्रूट या पानी या नींबू पानी या इस तरीके का ड्राई फ्रूट वगैरह, इस तरीके की कोई लाइट सी चीज़ लीजिए जो कि आपके स्टमक पे मेटाबॉलिज्म पे बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि आपने इतनी देर तक फास्ट किया हुआ है। तो अगेन दोनों में सेम है, दोनों में दिन की शुरुआत वैसे ही हो रही है, उसके बाद आप अच्छा सा हैवी सा अच्छा सा लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। एंड इसमें भी ये है कि आपको 7-8 बजे तक जो डिनर है कंप्लीट कर लेना है, इसमें भी है क्योंकि वो नेचुरल ऐसा है कि सन सेट होने के पहले अगर आप डिनर कर लेते हो तो आपका खाना जो है अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और बाकी की रिकवरी प्रोसेस जो आपके मेटाबॉलिज्म की है वो सब चीज़ें अच्छे से काम करती हैं, अपना सिस्टम जैसे भी है। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर आप ऑफिस गोअर हैं, आपको ऑफिस जाना है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप सुबह 5 बजे नहीं शुरू कर सकते, तो आपकी मॉर्निंग जो है वो 10 बजे से शुरू होती है एंड देन फिर वो आगे लेट तक जाती है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपको अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करने हैं। अब मैं या मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, जो मतलब इतना कोई उनकी लाइफस्टाइल डिफरेंट नहीं है, तो क्या होता है हम 10-11 बजे तक सोते हैं, तो खाना सोने के 2-3 घंटे पहले तक आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए, और डिनर जितना हो सके उतना लाइट करना चाहिए, सबको ही पता है। तो ये सभी के साथ है। अब आप अगर मान लीजिए रात में 1 बजे आप नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ ऐसा है, तो आप रात में 1 बजे अगर आप आते हैं, उसके बाद आपको 2 बज जाते हैं सोने में, तो आपके लिए तो मैं आपसे वही कह रही थी कि आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से अपनी डाइट और आपका जो भी वर्कआउट है, जो चीज़ें आपके लिए वर्क करें वो है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और मैंने पूरा ये सब पढ़ने और सब कुछ समझने के बाद मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि मैं 3 मील्स तो मुझे स्पेसिफिकली लेनी है जिसके अंदर कार्ब्स, फैट, हेल्दी फैट्स मतलब घी वगैरह एंड प्रोटीन, ये 3 होनी चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट हो एंड फिर लंच हो एंड देन फिर डिनर हो, सब में आपको अच्छा प्रोटीन और सब कुछ होना चाहिए। एंड उसके
अलावा जब आप बीच की जो मील से जो रुजुता मैम भी कहती हैं, जो आईएफ भी कहता है, जो और सारी चीज़ें कहती हैं, उसमें आता है आपका मतलब लो कार्ब जो भी चीज़ें होती हैं, लाइक आपका ये फ्रूट्स वगैरह है या फिर सॉर्टे वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर कि बहुत सारे कार्ब्स वगैरह, रोटी वोटी ना हो, हल्का फुल्का ऐसा, और आपको सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल खाने से नहीं चलेगा, आपको फ्रूट्स इनटेक बहुत ज़रूरी है। तो आप फ्रूट्स कब खाओगे, लंच में, डिनर में, नहीं चलेगा, है ना। तो हमें फ्रूट्स वगैरह कब खाने हैं, तो उसके लिए ये एट मील्स का जो प्लान बताया गया है रुजुता मैम ने, वो आपको इंक्लूड करना है, जिसमें कि आप फ्रूट्स की गुडनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे मिनरल्स, विटामिंस एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी है वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो उनको इंक्लूड करने के लिए आपको इस तरीके से खाना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप आईएफ फॉलो करना चाहते हो या फिर आप चाहो तो आईएफ और रुजुता मैम की डाइट को भी कंबाइन करके फॉलो कर सकते हो, अगर आप 12 घंटे का फास्ट रखो और 12 घंटे खाना खाओ। तो उसमें क्या है कि आपने अगर डिनर 7 बजे किया या 8 बजे किया, तो अगली मॉर्निंग आप 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो और इसको आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए अगर आप 8 to 8 विंडो में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो एक एक घंटा धीरे धीरे वो होगा। एकदम से अगर आप सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं होगा, उल्टा आपकी तबीयत खराब होगी, आपको चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगेगी। लेकिन कोई भी डाइट अगर आप फॉलो करते हैं, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कोई भी डाइट हो, चाहे 3 meal, 4 meal, 8 meal या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, इन सारी डाइट्स, ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल है, ये कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है जिसके अंदर ये मेंशन है कि जब ही आपको 3 meals ऐसी लेनी है जो कि बैलेंस्ड डाइट हो, यानी कि उसमें कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो एंड फैट्स हो, और उनका प्रोपोर्शन बराबर हो, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, फैट थोड़ा कम होना चाहिए और कार्ब्स मीडियम में होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी डाइट डिसाइड करनी होती है, और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना होता, ये एक रफ आइडिया है कि भाई एक कटोरी दाल ले ली, एक कटोरी आपने चावल ले लिया, खूब सारी वेजिटेबल्स ले ली, इसको मिक्स करके खा लिया, थोड़ा सा घी डाल लिया, तो आपका सब कुछ हो गया। ये तो हम नॉर्मली इसी तरीके से खाते हैं, बट कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई दाल नहीं खाएंगे, सिर्फ रोटी सब्जी खा ली हमेशा, अगर आप ऐसे ही खाते तो वो बैलेंस डाइट नहीं होती है। तो उसके लिए ही ये है कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड कीजिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना होता है। तो ये बैलेंस डाइट हो गई, आप कभी भी खाते हैं, ओके। उसके अलावा आपको ये 3 meals के अलावा आपको जब भी भूख लगे तो आप नट्स खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो, रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हो, सैलड्स खा सकते हो, इस तरीके की लो कैलोरी चीज़ें आपको इंटेक करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग बिस्किट्स, जंक्स एंड पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें। नॉर्मली ऐसा ही होता था, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं फॉलो करते हो तो आप नोटिस करोगे कि ऐसे ही होता है कि जब भी आपको भूख लग रहा है रात में 12 बजे, दिन में कभी भी, तो आप सोडा पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, ये सब खा रहे हो। तो ये चीज़ों को एक्चुअली में आपको हटाना है, क्योंकि ये है वो चीज़ें जो आपके बॉडी में शुगर स्पाइक करती हैं। आपका नॉर्मल हेल्दी फूड कभी भी आपको शुगर स्पाइक नहीं देता, अगर आप नॉर्मल हैं तो। अगर आपको कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो फिर आपको वहाँ पर डॉक्टर्स गाइड करते हैं कि आपको कैसे क्या खाना है, क्या करना है ना। तो इस तरीके से अपनी डाइट को कस्टमाइज करना है अपनी बॉडी के हिसाब से, आप किस चीज़ को कंफर्टेबली कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत लोकल आप रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग करना बड़ा ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में आप कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप कर पाते तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं फिलहाल 3 meals वाली जो डाइट है उसको फॉलो करती हूँ। बीच में जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं पानी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ, ये इस तरीके से मैं, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सीड्स हैं, ये सब चीज़ें खाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने टाइमर लगा रखा है, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें भी मैंने कितनी बार बताया कि मैंने मॉर्निंग में अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया तो मिड मॉर्निंग स्नैक मैंने नहीं खाया, स्किप कर दिया, भूख ही नहीं लगी तो नहीं खाया, इवनिंग में भी खा लिया, कभी कभी डिनर स्किप हो जाता है क्योंकि इवनिंग में कुछ हैवी सा खा लिया और रात में जब भूख लगी तो एक गिलास दूध पी लिया। इस तरीके से मैनेज करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। रुजुता मैम ने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया है, वो कोई पर्टिकुलर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं है कि ये सभी के लिए वर्क करेगा, वरना फिर डाइटिशियंस का कोई रोल ही नहीं है, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए। उसके बाद आप अपनी नीड और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट करना भी चाहिए, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत कीजिए। ये बॉडी है, ये आपको हर चीज़ सिम्टम्स देती है, आपको इंडिकेट करती है, आपको उसका इंडिकेशन सुनना है, और हेल्दी हर चीज़ का हेल्दी वर्जन, हेल्दी साइड में आपको जाना है। तो आपको पता होगा जब आप कोई चीज़ खाते हैं ना, तो आपको पता होता है कि हाँ ये हेल्दी खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ, ये अंदर से आता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। एनीवेज़ मैं बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी जो मैं खाती हूँ। हाई फाई कोई भी चीज़ मैं यहाँ पर बात नहीं करने वाली हूँ, और ये मेरी समझ है, हो सकता है इसमें आपको कोई चीज़ गलत लगे, हो सकता है गलत हो, आई डोंट नो, बट मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ खुद से, और मैंने जितना भी पढ़ा है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उन सब से मैंने यही समझा है कि ये एक लाइफस्टाइल है और अपनी बॉडी के हिसाब से
आप फ्रीक्वेंट ईटिंग भी कर सकते हो, बस वो हेल्दी होनी चाहिए, और आप चाहो तो 2-3 मील्स पर डे के हिसाब से भी आप जा सकते हो। तो आई होप कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर होंगे, और कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताना, हो सकता है मुझसे स्किप हो गया तो मैं आपको बताऊंगी। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।